अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इनफ्लोरेसेंस। चैप्टर 4 का ये टॉपिक है, एक लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको मैंने स्प्लिट करके और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट और द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, जो प्लांट पे फ्लावर्स जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो उन फ्लावर्स की अरेंजमेंट को हम जो है नाम देते हैं इनफ्लोरेसेंस का। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस जो है बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। मेनली हमारे पास जितने तमाम प्लांट्स हैं उनमें दो तरीके की इनफ्लोरेसेंस पाई जाती हैं। पहली होती है जिसका नाम हम देते हैं रेसिमोस और दूसरी होती है साइमोस। रेसिमोस की अगर हम बात करें तो रेसिमोस खुद बजाते एक लेंदी जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आज हम जो है वो जस्ट रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन मैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को करूँगी आज। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वॉट इज़ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, द मेन एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली एंड फ्लावर्स आर प्रेजेंट लेटरली ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस, ऐसी अरेंजमेंट फ्लावर्स की जिसमें जो मेन एक्सिस हो प्लांट का वो कंटिन्यूस ग्रो करे और फ्लावर्स जो उसके प्लांट के मौजूद हों वो लेटरल साइड पे जो है वो उसकी फ्लावरिंग हो रही हो, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम नाम देते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास तीन मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सिस, इसमें ये होता है कि एलोंगेटेड एक्सिस भी होते हैं, शॉर्टेंड एक्सिस भी होती हैं और फ्लैटेंड एक्सिस भी होती है। एलोंगेटेड मेन एक्सिस जो होता है वो एलोंगेट होगा। ठीक है, तो उसके अंदर और डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, और जो मेन एक्सिस है वो शॉर्टेंड होगा, यानी कि उसकी हाइट शॉर्ट होगी। ठीक है, और एक फ्लैटेंड होगी, जो मेन एक्सिस होगा वो फ्लैट होगा, चपटा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस की जो ये सारी टाइप्स हैं इनके अंदर भी और डिफरेंट टाइप्स आती हैं। ठीक है, अब जैसे फ्लैटेंड जो मेन एक्सिस होगा इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा। सनफ्लावर में जो उसकी स्टॉक होती है, जो उसकी एक्सिस होता है मेन एक्सिस, वो जो है वो एक पॉइंट पे जाकर फ्लैट हो जाता है। ठीक है, चपटा सा, चौड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं फ्लैटेंड मेन एक्सिस। और इसके अंदर जो हमारी इन्फ्लोरेसेंस आती है उसे हम नाम देते हैं कैपिट्यूलम। कैपिट्यूलम जो है उसमें दो टाइप्स जो है वो मौजूद होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है रिस्क, एक होता है डे फ्लोरेट, एक होता है रे फ्लोरेट और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, ये सनफ्लावर जो है उसमें ये दो पार्ट्स मौजूद होते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट होता है और एक रे फ्लोरेट होता है। ठीक है, अच्छा, और शॉर्टेंड मेन एक्सिस जो होती है, शॉर्टेंड मेन एक्सिस जैसे, अच्छा, ये कैपिट्यूलम मैंने आपको जो बताया है यहाँ आपके पास पिक्चर में भी सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल लास्ट में जो आपके पास सनफ्लावर होता है उसकी जो मेन एक्सिस होती है वो इस तरह से चपटी होती है और फिर उसके सेंटर पार्ट और साइड्स का जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, क्योंकि चपटा सा डिस्क के शेप में होता है। जो साइड का पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं रे फ्लोरेट। रे मतलब वो एक मैनर में अरेंज होता है, गोलाई वाले मैनर में अरेंज होता है, एक रे वाले मैनर में अरेंज होता है, इसलिए उसको रे फ्लोरेट का नाम दिया जाता है। शॉर्टेंड मेन एक्सिस की अगर हम बात करें तो मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट हो जाता है और फ्लावरिंग जो है उसी के साइड से जो है वो लेटरल साइड पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब शॉर्टेंड मेन एक्सिस में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है कोरियम और दूसरी होती है अम्बल। ठीक है, कोरियम
आपके पास यहाँ पिक्चर में सामने आपको दिखाई दे रहा है, उसमें क्या होता है आपकी जो मेन एक्सिस होता है उसके साइड पे, लेटरल साइड पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टॉक के साथ होते हैं, ठीक है, और एक्रोपिटल मैनर में जो है वो अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि जो सबसे ओल्डर, सबसे बिगर प्लांट हो, सबसे बिगर जो फ्लावर होगा, सबसे ओल्डर फ्लावर, वो सबसे पहले नीचे साइड पर होगा, बिलो साइड पर होगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वाली साइड पर उससे जो है वो छोटे छोटे फ्लावर जो है होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ्लावर जो निकलेगा वो सबसे पहले लोअर साइड पे उसकी जो है वो जो है ग्रोथ होगी, मेन एक्सिस की लोअर साइड पे जो उसकी ब्रांच निकल रही है, जो स्टॉक निकल रहा है उस पर बड़ा फ्लावर होगा, फिर उसके ऊपर वाला फ्लावर उससे छोटा, फिर उसके ऊपर वाला फ्लावर उससे छोटा। इस तरह की इस तरह की अरेंजमेंट, इस तरह के मैनर को हम नाम देते हैं एक्रोपिटल मैनर, ठीक है। अच्छा, ये कोरियम्प कैसा होता है? कोरियम्प यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसमें मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस यहाँ पर शॉर्टेंड है, ठीक है, और लॉन्ग नहीं हो रही है, जैसे आपके पास रेसीम में ऊपर है, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन में डिटेल में समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टेंड जो है वो इसकी मेन एक्सिस है और साइड में जो है वो इसके फ्लावर्स जो है वो अराइज हो रहे हैं, ठीक है। अब अम्बल क्या है? अम्बल में क्या होगा? अम्बल में मेन एक्सिस जो है वो एक पॉइंट पे जाके रुक गई है और उसके लेटरल साइड पे फ्लावर्स जो है वो निकलना शुरू हो गए, ठीक है। कोरियम में क्या था? सेपरेटली अरेंज थे, और इसमें सेपरेटली नहीं है, इसमें जो है वो जॉइंटली जो है वो एक ही तरफ से इसकी स्टॉक निकल रही है, ठीक है, दोनों साइड पे एक ही तरफ से निकल रही है। कंपाउंड अम्बल में क्या होगा? कंपाउंड अम्बल अम्बल की तरह ही होगी, बस उसमें क्या होगा कि अरेंजमेंट उसमें ब्रांच बन जाएगी, यानी कि ब्रांच अम्बल हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टेंड और फ्लैटेंड मेन एक्सिस की ये जो है वो ब्रीफिंग थी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रेसीम जो है वो इन्फ्लोरेसेंस, रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस की, जो हमारे पास इलोंगेटेड मेन एक्सिस में जो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखें कि इलोंगेटेड मेन एक्सिस क्या होता है। मेन एक्सिस जो होगा उसकी लेंथ जो होगी वो जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, किसी भी पॉइंट पे रुकेगी नहीं जब तक कि फ्लावरिंग होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की हम जो हमारे पास एक्सिस शो हो रही है उसे हम इलोंगेटेड मेन एक्सिस का नाम देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली टाइप है रेसीम, ठीक है। रेसीम एक ऐसी टाइप है जिसका जो मेन एक्सिस होगा वह इलोंगेटेड होगा, क्योंकि ये इलोंगेटेड की है, ठीक है। इसके फ्लावर्स जो होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे और स्टॉक के साथ होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास एक पूरा एक फ्लावर नज़र आ रहा है, एक पूरी बारीक सी जो है वो इसकी स्टॉक नज़र आ रही है, ठीक है, ब्रांच नज़र आ रही है, मेन एक्सिस नज़र आ रहा है। इस मेन एक्सिस पे आपने देखें कि ये देखें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के फ्लावर्स जो हैं एक एक विद स्टॉक हैं, ठीक है, और ये जो है वो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज हैं, ठीक है। एक्रोपिटल मैंने आपको भी बताया, और इसकी एग्जांपल क्या होगी? मस्टर्ड और रेडिश, ठीक है। मस्टर्ड और रेडिश जो है वो जो प्लांट हैं उनमें जो अरेंजमेंट होगी फ्लावर्स की वो रेसीम होगी, ठीक है। रेसीम रेसीमोस की तरह होती है, मेन एक्सिस इलोंगेटेड होगा, बाइसेक्चुअल होगी फ्लावर्स और स्टॉक के साथ मौजूद होंगे, और एक्रोपिटल मैनर में जो है वो अरेंज्ड होंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाती है स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है? मेन एक्सिस तो इलोंगेटेड है, लेकिन फ्लावर्स क्या हैं? वो यूनिसेक्सुअल हैं और सेसाइल हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स मौजूद होगा, और बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और सेसाइल है। सेसाइल मतलब जो फ्लावर के साथ स्टॉक होती है, जो डंडी होती है, वो डंडी मौजूद नहीं होगी, ठीक है। वो डंडी अगर मौजूद नहीं होगी तो उस तरह के फ्लावर को हम नाम देंगे सेसाइल फ्लावर, ठीक है। और इसकी अरेंजमेंट कौन सी होगी? एक्रोपिटल मैनर, वही सेम एक्रोपिटल मैनर वाली अरेंजमेंट होगी। ज़्यादातर रेसीमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें एक्रोपिटल मैनर की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? एकेरेंथस, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास मैंने यहाँ पर पिक्चर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो है वो लगा दी है, ठीक है। एकेरेंथस इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है पैनिकल। पैनिकल में क्या होगा?
अब पेनिकल, इसके बाद हमारे पास है पेनिकल। पेनिकल में क्या होगा, ये है ब्रांच रसीम। रसीम मैंने आपको समझाया, रसीम में क्या था कि और सेपरेटली अरेंज थे फ्लावर्स और एक्रोपिटल मैनर थे, बाइसेक्चुअल थे, ठीक है, स्टॉक के साथ थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम वही कंडीशन होगी, लेकिन मेन एक्सिस के साथ पहले ब्रांचेस निकलेंगी और वो ब्रांच जो है वो पूरी एक जो ब्रांच होगी वो शो करेगी रसीम जो है वो इन्फ्लोरेसेंस को। तो वो ब्रांच, एक ब्रांच जो है वो रसीम इन्फ्लोरेसेंस को शो कर रही होगी, इसीलिए इसको हम ब्रांच रसीम का भी नाम देते हैं, ठीक है। बाइसेक्चुअल फ्लावर होंगे, स्टॉक के साथ होंगे, एक्रोपिटल मैनर में होंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है, सीसल पीनिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैटकिन। कैटकिन भी एक ऐसी जो है वो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस, रसीम रसीमोज इन्फ्लोरेसेंस की ऐसी ऐसी टाइप है जिसमें जो उसके फ्लावर्स हैं वो पेंडुलस और लॉन्ग, पेंडुलस मतलब लटके हुए, देखें आपको नज़र आ रहे हैं लटके हुए, ठीक है, और लॉन्ग और लंबे लंबे हैं, ठीक है। फ्लावर्स क्या हैं, सेसाइल हैं, यानी कि कोई स्टॉक नहीं है फ्लावर्स के साथ। ये येलो येलो कलर की जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक छोटा सा पार्ट जो है ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये बहुत सारे फ्लावर एक के अंदर अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है। तो इनमें कोई भी स्टॉक आपको नज़र नहीं आ रही, यूनिसेक्चुअल होंगे और ससाइल होंगे, ठीक है। एक्रोपिटल मैनर में हैं, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इनका, जहाँ से ये अटैच हुए हुए हैं मेन एक्सिस से, तो वो पार्ट इनके जो है वो बिगर फ्लावर होगा, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा इनका वो स्मॉलर फ्लावर का होगा। एग्जाम्पल इसकी मलबेरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में क्या होता है, इसका जो मेन एक्सिस होता है वो होता है फ्लैशी, ठीक है, चिकना, ठीक है, और उस मेन एक्सिस पे जो है वो फ्लावर्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं, उनमें उस मेन एक्सिस पे फ्लावर जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं, और उस मेन एक्सिस के साथ एक बड़ा सा या फिर बहुत सारे बड़े से ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ब्रैक्ट है, दिस इज़ नॉट लीफ, दिस इज़ ब्रैक्ट, ठीक है, और इस ब्रैक को हम नाम देते हैं स्पैथ्स का, ठीक है। और जो ये सेंटर में आपको पोर्शन नज़र आ रहा है लंबा सा, ये जो है वो इसके फ्लावर्स हैं, और ये फ्लावर्स जो है वो ससाइल हैं और यूनिसेक्चुअल हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्लावर्स हैं ये आपके कलर्ड भी हो सकते हैं और डिफरेंट जो है वो प्लांट के हिसाब से हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है, बनाना का जो प्लांट है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट जो है वो थोड़ी डिफरेंट जो है वो इसकी टाइप है इन्फ्लोरेसेंस की, जिसमें जो मेन एक्सिस है वो तीनों तरीकों को शो कर रहा होता है अरेंजमेंट में, ठीक है। मेन एक्सिस या तो रेसीम इसकी टाइप भी हो सकती है, स्पाइक या पेनिकल, इन तीनों तरीके से अरेंज हो सकता है इसका मेन एक्सिस। इसके जो मेन एक्सिस होता है, उस मेन एक्सिस पे लोअर साइड पे तीन जो है वो ब्रैक्ट निकल रही होती हैं, ठीक है, थ्री ब्रैक्ट निकल रही होती हैं, ये यहाँ पर आपको शो हो रही हैं ब्रैक्ट्स, ठीक है, जिस पे पिन्स लगी हुई हैं, ठीक है, वन टू एंड थ्री, थ्री ब्रैक्ट्स निकल रही होती हैं, जिसमें से टू ब्रैक्ट्स जो होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं और एक ब्रैक्ट जो होती है वो फर्टाइल होती है, जिस उस ब्रैक्ट पे से क्या होता है डिफरेंट जो है वो मेन डिफरेंट न्यू एक्सेस जो है वो अराइज होते हैं फ्लावरिंग के, ठीक है। अब जो टू लोअर जो इनफर्टाइल ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है, इनफर्टाइल ब्रैक्ट्स हमारे पास नीचे मौजूद हैं, टू लोअर इनफर्टाइल ब्रैक्ट्स और एक सेंटर में आपके पास क्या है फर्टाइल ब्रैक्ट है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये ब्रैक्ट्स हैं इनको हम नाम देते हैं ग्लूम का, ठीक है। इन ये क्या है, ये पहला ग्लूम, दूसरा और तीसरा ग्लूम, ठीक है, पहला ग्लूम, दूसरा ग्लूम और तीसरा ग्लूम, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो दो ग्लूम है वो तो इनफर्टाइल हैं, ठीक है, वो जो है उधर से कोई राइज नहीं होगी, कोई भी न्यू जो है वो ब्रांच नहीं निकलेगी, कोई भी न्यू एक्सिस नहीं निकलेगा। जो सेंटर वाला ग्लूम है, या इसको हम थोड़ा, ये थोड़ा कभी किसी में ऊपर भी होता है, ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला ग्लूम है ये फर्टाइल ग्लूम है, ठीक है, यहाँ से न्यू जो है वो राइज होंगी, ठीक है।
अब क्या होगा, ये जो फर्टाइल ग्लूम आपके पास सेंटर से राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है, ये फर्टाइल ग्लूम है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो न्यू एक्सिस निकल रही है उस न्यू एक्सिस में भी ब्रैक्ट्स मौजूद होंगी, ठीक है। उस उनमें जो सबसे पहली ब्रैक्ट होगी उसको हम नाम देते हैं, फर्स्ट ब्रैक्ट को हम नाम देते हैं पेलिया, ठीक है। और वो पेलिया और ये जो फर्टाइल क्लूम है, इस फर्टाइल क्लूम को हम नाम देते हैं लेमा का, ठीक है। वो क्या है, पेलिया और ये क्या है, लेमा, पेलिया एंड लेमा, यानी कि ये लेमा जो है ये फर्टाइल क्लूम है, ठीक है, और पेलिया जो है वो फर्स्ट ब्रैक्ट है न्यू एक्सिस की, ठीक है। तो ये पेलिया एंड लेमा जो है वो कलेक्टिवली इसको हम नाम देते हैं ब्रैक्टियोल का, ठीक है, कलेक्टिवली ये कहलाता है ब्रैक्टियोल। और इसकी एग्जाम्पल है स्पाइकलेट एंड फैमिली पोएसी में जो है वो ये अरेंजमेंट पाई जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो इसको कमेंट में जो है वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।